वीर, हाँ? मैं अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। खुद चला जाऊंगा। ठीक है पापा, आप रेस्ट कीजिएगा। बाय पापा। फिर घर में एक एलियन है, आई मीन था। हाँ हाँ पता है, विचल। विचल नहीं, दूसरा एलियन। व्हाट? विचल तो कबर्ड के अंदर था ना। हाँ। उसने कमरे में किसी और एलियन को देखा है, सिर्फ उसे पहचान नहीं पाया। भैया मैंने अपनी आंखों से देखा है पापा को रूम में एंटर करते हुए। मीठी का भी फोन आया था और वो कह रही थी उसने घर में किसी को देखा है। इसका मतलब कोई ना कोई घर पे तो था जिसे उसने पापा समझ लिया था। बंटू कहीं एलियंस पापा को ढूंढते ढूंढते घर तक तो नहीं आ गए? नहीं, मैं पापा को दोबारा नहीं खो सकता। उन्हें हॉस्पिटल में देख के मेरी जान निकल गई थी यार। हाँ यार, ये तो बहुत सीरियस है। अब अगर एलियंस घर तक घुसा है बंटू, तो हम पापा को घर में कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। पापा इज इन डेंजर। डोंट वरी बच्ची, अपन लोग है ना बारी बारी अंकल पर नजर रखेंगे। और टीम हीरो के होते हुए देखते कौन से एलियन में कितना दम है कि इस घर में आ जाए।
आदर्श पिता। कि अर्थ पे बहुत सारे एलियंस हैं और एक ऐसा एलियन है जो तुम्हारे रेडार से मिसिंग है, वो इंसान बन के हमारे बीच में घूम रहा है। मेरी बताई हुई बात मुझे सुना रहे हो? पूरी बात तो सुन लो, टाइमर घुसा रखा है क्या? मतलब कि हमारे घर में ना कोई आया है, वो बहुत अजीब सा है। धरती वासियों के घर जो मेहमान आता है वो उन्हें अजीब ही लगता है, इसमें नई बात क्या है? तुम समझ ही नहीं रही हो यार, पहली बार देखी है क्या बुक? देखो मैं क्या कह रहा हूं कि वो लगता है इंसान की तरह है, वो मेंढक उसको पापा पापा भी कहता है, पर वो इंसान है नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें। तुम एक बार चेक कर लो, पक्का एलियन ही है वो। ऐसा क्या किया उसने? अपने मुंह से कैसे कह दूं कि पिट गया? मैं इतनी पावर थी ना उसके धक्के में। नहीं रॉकी, अपनी बेइज्जती नहीं करवानी अलोमा के आगे। बताओ रॉकी, ऐसा क्या किया उसने? मुझे फील हुआ। फील? हीरो को ढूंढो, वरना कुछ फील करने लायक नहीं बचोगे। बदबू? बदबू? मेरा मतलब बदबू, बदली हुई बू, उसमें भी ऐसी आ रही थी। तुम्हारा मतलब है उसके शरीर से ऐसी खुशबू आ रही थी? हाँ, तुम एलियंस में थोड़ी अलग सी स्मेल आती है ना, वैसी थी। मम्मी कसम, तुम चेक कर लो, वो पक्का एलियन है, तुम्हें पता चल जाएगा। नो no. जो काम तुम्हें दिया है वो खत्म करो। ठीक है फिर, मैं भी नहीं ढूंढूंगा हीरो को। बाबा, वीर नंदा, आप वीर? क्या कर रहे थे पापा आप? पंटू इस वक्त? हाँ बाबा, हमने सोचा अपने पापा के साथ थोड़ी गपशप कर ली जाए, और जब हमारे पास टाइम ही टाइम है तो क्यों ना इस पहेली को भी सुलझा लिया जाए। हाँ भी? सच? हाँ हाँ बाबा, मैंने कहा था ना आपसे कि पार्टी खत्म होने के बाद हम इस पहेली को सुलझा लेंगे। तुझे भी हमारी हेल्प करनी होगी, ये तो तेरा खुराफाती दिमाग काम कब आएगा। नहीं 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 नहीं, अब क्या है ना कि आज मैं सिर्फ ऑडियंस मेंबर बनने वाला, क्योंकि मैं वो देखने वाला हूँ जो मैं इतने सालों से देखना चाहता था। वीर नंदा और अमल नंदा एक साथ काम कर रहे हैं। वाह 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 वाह। पापा, आपको पता है ये जो रिडल है ये पिछली वाली रिडल से थोड़ी छोटी है साइज में। एक्चुअली मैं पापा के लिए इससे पहले भी एक रिडल सॉल्व कर चुका हूँ, और उसका क्लू मुझे भटकल अंकल की विल से मिला था। हाँ? पर इस वाली रिडल का भटकल अंकल की विल से कोई रिलेशन नहीं है। मैं कोशिश कर चुका हूँ। इसका मतलब है कि जो भी क्लू है वो इसी में है। ये क्या, पढ़ तो सही क्या लिखा है? याद रहे, ये अगर एक भी गलती हुई तो
ये अपने आप को नष्ट कर लेगी। क्या? हाँ, पिछली वाली रिडल में भी यही कंडीशन थी। अगर हमने इस पहली को एक बार में सॉल्व नहीं किया तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी बंटू। ओह, बाप रे, दिखा एक मिनट, इसमें बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आए? गुड आइडिया। हाँ, या ब्रिंग इट ऑन। वो पहले वाले ड्रॉर में। अरे तू रुक, मैं आता हूं। हाँ। क्या है? अभी तो तुझे सॉल्व नहीं करनी थी, मैं कर रहा हूं ना। अरे क्या, अभी तक तो तू ऑडियंस बना हुआ था, अब अचानक सिंथेसिस कैसे आ गया? मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जो ऐसे विंडो के बाहर खड़ा रहेगा तो कौवा लेकर चल जाएगा। हाँ, एक काम करते, बैठते ना आराम से। इनके झगड़े के चक्कर में कहीं ये पहली नष्ट ना हो जाए। इधर से मुझे ना कोई क्लू मिलने वाला था। अरे इतना आसान होता तब तक मैं सॉल्व कर लिया होता। तुम्हारे इस पहेली को सुलझाते ही इसके अंदर का रिंग लोकेटर मुझे उस हीरो तक पहुंचाएगा। और तक तुझे क्या लगता है मैं सॉल्व नहीं कर सकता? इधर से। अरे मैंने कब बोला कि तू नहीं कर सकता है, पर इस वक्त मुझे करने दे। पापा देखो ना, इसको दे ही नहीं रहा है। दे वीर, बंटू संभल कर। मैं ना देख रहा था। बंटू मैं कर, ये फटने तो नहीं वाला। इसका साइज तो बड़ा हो गया, मुझे पता है क्यों। अरे कोई बचाओ इस पप्पी को प्लीज, मर जाएगा वो। किसने किसी को तो अंदर जाना पड़ेगा। हाँ अच्छा आइडिया है, आप जाओ, हम हैं पीछे। नहीं नहीं, ये तो बहुत गंदा है। ओह माय गॉड, ऊपर से खींच लो ना इसको। अरे बोलना गंदगी में उतरना नहीं है, कपड़े खराब हो जाएंगे। आप ही को सब पता है तो आप ही जाइए ना। यहाँ पे इसकी जान जा रही है और आप लोगों को कपड़ों की पड़ी है। प्लीज इसे पकड़िए, ठीक है? एक मिनट। कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुड बॉय, कम ऑन कम ऑन, आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होगा। यस यस इज वेरी गुड, बस ऑलमोस्ट देयर, आ जाओ, गुड बॉय। कुछ नहीं होगा, ओके? मानना पड़ेगा बॉस, दम तो लड़के ने दिखाया। सिम्बा, सिम्बा, ये आपका है? मेरा इसके सिवा और कोई नहीं है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट। सिम्बा बहुत बहादुर हो बेटा, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, माँ बाप को बहुत नाज होगा तुम पर। नहीं, एक माँ है
वो भी इतनी दूर की। आपने दुआ दे दी, मेरा दिन बन गया। थैंक यू, बाय। ओह गॉड, वो आदमी कहाँ गया जिसको मेरा फोन दिया था मैंने? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक आदमी खड़ा था जिसको मैंने फोन दिया था, आपको पता है वो कहाँ है? पता नहीं। गॉड, एक्सक्यूज मी, वहाँ पे एक आदमी खड़ा था उसको मैंने अपना फोन दिया था, आपने देखा उसे? नहीं देखा। ओह गॉड, आपने उस आदमी को देखा जहाँ पे वो खड़ा था ब्लैक जैकेट में? और तेरी की, ये तो जारा का फोन है। कौन जारा? अरे वो पिक लाइफ स्टार नहीं है, अब ये एक फिल्म भी कर रही है। ओ भाई संभाल के रखना, फिर सेलिब्रिटी का फोन है। अच्छा तो पता करते हैं ये सेलिब्रिटी आपस में क्या बातें करते हैं। तू चैट पढ़ रहा है उसका? और क्या। ओ तेरी की, रुक 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 रुक। अबे ये तो हीरो से बात कर रही है। भाई हीरोइन है तो हीरो से ही बात होगी ना। हीरो नहीं, हीरो गायब होने वाला हीरो। अरे फालतू का हवा बना रखा है, मेरे को नहीं लगता ये कोई असली का हीरो वीरो है। अच्छा तो पता करते हैं। पापा, आप वीर को मारने वाले थे? पापा सच में? नहीं नहीं नहीं, तुम नीचे गिरे तो मैं तुम्हें उठाने के लिए ये सहलाना ना। सॉरी वीर। आई एम सॉरी पापा, सॉरी पापा। फिर से चुंबक की तरह आकर चिपक गए, इस बीमारी का इलाज क्या है? ओ एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी पापा, मुझे उस रिडल को केयरफुली हैंडल करना चाहिए था, पता नहीं वो कैसे। आई एम सो सॉरी। तुमने अभी कहा था ना वीर कि तुम्हें पता है कि अगर ये पहली लंबी हो जाए तो कैसे ये? हाँ पापा, आपको याद है आपने मुझे बताया था कि ये एक स्पेशल 16 परत वाली पहेली है, ये इतनी डिफिकल्ट होती है और भी पहेलियों से कि। I'm so sorry पापा, आपको तो कुछ भी याद नहीं है, पर मुझे आपका सिखाया हुआ सब याद है। इस पहेली को सॉल्व करने के लिए हमें जवाब नहीं, इसमें छुपे हुए सवाल को ढूंढना पड़ता है, फिर जाके ये पहेली सॉल्व होती है। अच्छा अमल नंदा ने तो इसे और भी पेचीदा कर दिया। क्या? नहीं नहीं, हाँ देखो ना बेटा, मैंने बनाया इस पहेली को और मैं ही अब इसे सुलझा नहीं सकता। मैं हूं ना पापा, मुझे दीजिए, मैं करता हूं। पापा वो जो पिछली रिडल हमने सॉल्व की थी उसमें आपको इस पहेली के अलावा और कुछ भी मिला था? दे दी तो इसे पता चल जाएगा कि पहेली में रिंग लोकेटर है। नहीं नहीं नहीं, हाँ बस वो छोटी वाली पहेली थी। सोचते हैं फिर, कहीं ना कहीं इस पहेली के जवाब का सवाल जरूर होगा।
पापा वीर मैं एक मिनट में आया और आप टेंशन मत लीजिएगा मेरा पूरा फोकस इस रिडल पे ही रहेगा मंटू सुनना जरा मैसेज आया जल्दी आ क्या सुना उसको हां पापा हाय अमर हां दरवाजा बंद करके जाना हाँ, पापा बेटा ये फिर गायब हो गए पहली के जवाब का सवाल इसमें तो नहीं वीडियो या डॉक्यूमेंट में फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़